चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अपने लोगों को बचाने का एक तरीका यह भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग तरीके से बचाते रहते हैं, लेकिन एक तरीका यह भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने बहुत बार बाइबल में पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं, चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि चारों तरफ से आप बीमारी से घिर गए हैं, तो एक तरीका ये भी है जो परमेश्वर बचाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि महामारी से चारों तरफ से आप घिर गए हैं, एक तरीका जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये भी है जो परमेश्वर आपको बचाने का रखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं, या चारों तरफ से बीमारी से घिर गए हैं, या चारों तरफ से महामारी से घिर गए हैं, जैसे आज हालात हैं, चारों तरफ से दुखदाई वायरस से घिर गए हैं, तो परमेश्वर के बचाने का तरीका भी है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बचाते रहते हैं, लेकिन एक तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं ये भी है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। जब हम दूसरा इतिहास 18 अध्याय को जब हम लोग पूरा पढ़ते हैं, हाँ, तो उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं 28 वचन से लेकर 33 वचन तक। दूसरा इतिहास 28 वचन से लेकर 33 वचन तक। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा योशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, अहाब था इज़राइल का राजा, योशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। क्या हुआ, युद्ध में जाना था इज़राइल के राजा ने, युद्ध तो उसका था, लेकिन उसने यहूदा के राजा को बुलाया योशापात से, और उससे कहने लगा भी तू मेरे युद्ध में मेरे साथ चल, मेरी मदद कर, ऐसे 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 करके, और वो तैयार हो गया, ठीक है मैं चलता हूं। तो जब वो राजी हो गया कि ठीक है मैं अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध में चलता हूं, तब जब दोनों युद्ध में जाने लगे, तो जिसका जिसका युद्ध था वो कहने लगा, अहाब जो इज़राइल का था राजा, कहने लगा कि मैं तो अपना भेष बदल के जाऊंगा, राजा के भेष में नहीं जाऊंगा, तू क्या करना अपने राजा के भेष में ही जाना। कितनी चतुराई वो कर रहा है कि अगर मेरा पता ना चले मैं छिप कर जाऊंगा, और मेरा पता ही ना चले भी मैं राजा हूं, क्योंकि युद्ध तो उसके साथ था, दुश्मनों के साथ करने जा रहा था जब, तो उसने तो कपड़े बदल लिए, भेष बदल लिया, साफ लिखा भेष बदल लिया। लिखा इज़राइल के राजा ने योशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, युद्ध था आराम के राजा से, तब आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों से आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। 32 प्रधान थे वो, मैं आपको बाद में बताऊंगा कहां लिखा हुआ ये बात, यहां नहीं लिखी हुई। तो 32 प्रधान थे जो सेना के मुखिया थे, उनको यह कह दिया था कि जो इज़राइल का राजा, किसी से युद्ध ना करो, इज़राइल के राजा को ढूंढो और उसको मारना है। तो उसने तो अपना भेष बदला हुआ था, अब राजा के वस्त्र किसने पहने हुए थे, यहूदा के राजा ने, यहोशापात ने, ठीक है। वो क्या हुआ, वो जब युद्ध में जाते हैं, लिखा है, इसलिए जब रथों के प्रधानों ने योशापात को देखा, तब कहा इज़राइल का राजा वही है, और वे उससे लड़ने को मुड़े। इस पर योशापात चला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की, एकदम चला उठा, परमेश्वर मुझे बचा, तब परमेश्वर ने योशापात की क्या की, सहायता की। लिखा है कैसे सहायता की, जो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। परमेश्वर ने क्या क्या किया, जो 32 प्रधान थे सेना के मुखिये थे, उन 32ों ने उसको घेर लिया राजा को। अब कोई तो तीर चलाने ही वाला था ऐसे खींचा, कोई भाला ऐसे चलाने ही वाला था,
कोई नेजा मारने ही वाला था, वर्षा मारने ही वाला था, कोई तलवार से मारने ही वाला था, बस उसकी जान निकलने वाली ही, प्राण निकलने वाला था, चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया, ऐसा कहूं चारों तरफ से मौत ने घेर लिया उसको। जब चारों तरफ से मौत ने घेर लिया तब परमेश्वर ने उनके उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। तो परमेश्वर ने उन बस ऐसे मारने वाला था, परमेश्वर का अब कैसे इनके जान बचाऊं। तब परमेश्वर ने 32 को जितने थे उसके मन को प्रेरित किया कि इसको कुछ मत कहो, इसे पीछे हट जाओ, इसके प्राण ना जाएं। तब वो एकदम से 32 के 32 ऐसे बस ऐसे मारने वाले ही, तीर छोड़ने वाले थे, बस ऐसे फेंकने वाले थे उसके ऊपर कुछ, मां जान प्राण निकलने वाली थी कि एकदम परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपके दुश्मन जो आप महामारी आपका जो दुश्मन है, बीमारियां जो आपका दुश्मन है, ऐसे जो शैतान जो आपका दुश्मन है, दुष्टात्मा जो आपके दुश्मन है, हो सकता है आपको चारों ओर से घेर लिया हो, आपके चारों ओर महामारी से रोना हो, कोरोना वायरस की महामारी से चारों ओर आपके रो रहे हो लोग, मौत चारों ओर हो, दुश्मन वायरस चारों ओर घूम रहा हो, आज बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार यह कह रही है अपने घर पे रहो, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो पता नहीं किस समय दुश्मन अटैक करे, किस समय शैतान जो है, वायरस जो है, वो उसमें घुस जाए। बुरा हाल है लोगों का। लेकिन जो आपसे मैं कहता हूं, सो परमेश्वर ने क्या किया, ऐसी मौत के मुंह से लोगों को बचाया परमेश्वर ने, जान उसके प्राण को बचा लिया परमेश्वर ने। और ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके प्राण को परमेश्वर ने बचा लिया। और एक एक तरीका उसका, उसके मन में डाल दिया, नहीं नहीं छोड़ो इसको, और सब छोड़कर पीछे चले गए। लेकिन दूसरी तरफ जो राजा भेष बदल कर गया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, यह लिखा है किसी ने यूं ही एक तीर चला दिया, किसी ने, सेना के प्रधानों ने नहीं, ऐसे ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही चलो एक तीर छोड़ते हैं, और वो तीर जाकर लगा अहाब राजा को, अहाब राजा को, और वो मर गया। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने, क्योंकि आपको मालूम है अहाब क्या करता था, हाब के प्राण क्यों गए ना, हाब की पत्नी के बारे में भी आपको पता है, उसने क्या क्या, इजिबेल ने क्या क्या काम किए थे, अहाब ने क्या क्या किया था, अपनी पत्नी के कहने पे किया था, जो कुछ भी किया था ना, खैर उस उधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो वहां तो 32 सेना के मुखिया जो प्रधान थे उन्होंने घेर लिया, जो राज्यों के प्रधान थे उन्होंने घेर लिया, तो परमेश्वर उसके प्राण को बचा लिया। लेकिन यहां पर तो ऐसे ऐसे किसी ने बैठे ने ऐसे तीर चला दिया, वो तीर घूमता 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 जाकर उसी को जाकर लगा जो अपने प्राण को बचा रहा था, और वो उसके प्राण खत्म हो गए, उसकी जान निकल गई और मर गया। पहला राजा 22 अध्याय और उसका 29 वचन से लेकर 35 वचन में ये सारी बात भी लिखी हुई है। राम का राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, 3200 प्रधानों ने, यहां लिखा हुआ वो बात, 3200 प्रधानों का आज्ञा दी थी कि आप क्या करें, सिर्फ उसी को मारना। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच में छेद कर लगा। अटकल से यूं ही किसी ने तीर चला दिया, यूं ही अटकल से चलो भी, और वो खत्म हो गया। लेकिन उसको परमेश्वर ने उसके प्राण की रक्षा की। तो परमेश्वर अलग अलग प्रकार से रक्षा करने का तरीका करते हैं। मैं एक बार वचन में प्रचार किया था, शायद आपको याद होगा, कि परमेश्वर कई बार बचाने के लिए मकड़ी को भेज देते हैं। एक बार, हालांकि कहा जाता कि यह दूसरे विश्व युद्ध की बात है, दुश्मन सेना जो थी वो अपने दूसरे दुश्मन सेना को मार रही थी, इसलिए वो लोग जो थे वो गुफाओं में छिप गए,
जंगलों में और इधर उधर भागे। तो उन दुश्मनों ने क्या किया, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। अब हुआ क्या, वहां पर एक आदमी था जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर की आराधना करता था, सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की, हमारे उद्धारकर्ता की, प्रभु यीशु मसीह की। तब हुआ क्या, वो गुफा के अंदर छिपा छिप गया जाकर। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी और दरारें थी पहाड़ों की। फौजी, दुश्मन फौज जो थी, वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तब ये अंदर चला रहा है, हे परमेश्वर मुझे बचा, अपने स्वर्गदूतों को भेज और मुझे बचा। तब कोई भी नहीं आया स्वर्गदूत वहां बचाने के लिए। फिर प्रार्थना का, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज मुझे बचा। दुश्मनों की सेना की आवाज, पैरों की आवाज उसे आ रही थी, वो हल्ला कर रहे थे और ढूंढो ढूंढो सबको मारो ढूंढो, और वो लोग छुपे हुए थे। तो कह रहा बचा। तब अचानक एक मकड़ी आई और वो उसके गेट के सामने आ गई, जो गुफा का गेट था। तो उसने कहा, प्रभु ये मकड़ी क्या करेगी, मकड़ी तो मेरी जान नहीं बचा सकती, मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर सकती मकड़ी। परमेश्वर स्वर्गदूतों को बचा, आपने कहा है मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा, स्वर्गदूत तेरे चारों ओर होंगे, तेरी रक्षा करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सी बातें कर रहा है, वादे याद करवा रहा परमेश्वर के। तो हुआ क्या, उस मकड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या किया मकड़ी ने, अंदर जाले बनाए और वो प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज मुझे बचा, परमेश्वर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। लेकिन कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, सिर्फ वो मकड़ी ने पूरा जाला बना दिया। अब दुश्मन की पैरों की आवाज और पास आती जा रही है और उसे पता चल रहा अब पास आ गए, बिल्कुल साथ साथ जाकर। आखिरकार वो भयभीत था, गेट के पास, उस गुफा के गेट के पास आ गए दुश्मन और कहने लगे, इस गुफा में भी देखो, जरूर कोई ना कोई छिपा होगा। तब जैसे ही उस गुफा के अंदर जाने लगे, उसने आवाज सुन ली, जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाने लगे, तो आगे क्या था, जाला लगा हुआ था, मकड़ी का जाला लगा हुआ था, मकड़ी का जाल लगा हुआ था। तब वो कहने लगे, नहीं 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 इसके अंदर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई इसके अंदर गया होता तो मकड़ी का जाल टूट जाता, तो यहां तो जाला लगा हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो वो बाहर उसको छोड़कर दूर चले गए और कहीं, और उसकी जान बच गई, उसके प्राण बच गए। तो परमेश्वर प्राण बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय परमेश्वर जी इन लोगों पर दया करें, ये आपके नाम के लोग हैं मेरे परमेश्वर जी, ये आपका भय मानने वाले हैं। सर्वशक्तिमान जमीन आसमान सूरज चंद्रमा तारागण को बनाने वाले परमेश्वर, ये लोग आपकी आराधना करने वाले हैं, ये लोग रचना की नहीं रचनहार की आराधना करने वाले हैं, ये सृष्टि की नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता की आराधना करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर जी इन लोगों को बचाएं, अगर इनसे कोई गलती हुई तो क्षमा करें, इनसे कोई पाप हुआ तो क्षमा करें। परमेश्वर जी, परमेश्वर जी ने अपने लहू से धो दीजिए और इन्हें क्षमा करके इन्हें इनके प्राण बचा लीजिए। मेरे परमेश्वर इस महामारी से इन्हें बचाएं, मेरे परमेश्वर जी ने इस बीमारियों से बचाएं। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर परमेश्वर जी इनकी रक्षा करें, इनके चारों ओर बाड़ा बांध दें, मेरे परमेश्वर रक्षा करें। आपका अपना तरीका है काम करने का, आप अपने तरीके से अपने हिसाब से जो भी आप तरीका अपनाना चाहते हैं इन्हें बचाएं। कैसे आपने इस राजा को बचाया, कैसे आपने बचाया, दुश्मन के मनों को प्रेरित किया कि उससे दूर रहें। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर एक जो कीड़ा है वो भी आपकी आज्ञा का पालन करता है। योना नबी की पुस्तक में हम लोगों ने सीखा, आपने आज्ञा दी कीड़ा उसको लगने के लिए, और कीड़े ने उस जब पेड़ को, अरंडी के पेड़ को लगा और कीड़े ने उसे खत्म कर दिया। आपने आज्ञा दी मछली को और मछली ने आज्ञा का पालन किया उसको निगलने में, और जब आपने आज्ञा दी से बाहर निकाल तो बाहर निकला वो, आपके आज्ञा का पालन करते हैं। सो परमेश्वर जी आप इस वायरस को आज्ञा दें कि इनसे दूर रहे। मेरे पिता परमेश्वर जी इनकी रक्षा करें, इनकी जान की रक्षा करें। हजारों हजारों लोग जो मौत के मुंह में हैं, जिनकी जान निकल चुकी है, जिनके प्राण इस संसार से जा चुके हैं परमेश्वर जी, लेकिन आप अपने लोगों की रक्षा करें,
इन पर दया करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके चारों ओर बाड़ा बांधे मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर जी इन्हें संभाल कर रखें, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।